हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे क्लासेस लिए हैं। अगर रीजनिंग आप बिल्कुल भी बेसिक से नहीं आता तो मैं बेसिक से पढ़ाया हूँ, साथ ही साथ मैं कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे क्लासेस लिए हैं, तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। सभी आपके एग्जाम में सिलेबस लगभग रीजनिंग का सभी एक ही जैसा होता है, तो रीजनिंग का है तो देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे नंबर सीरीज़ के, आपके नंबर सीरीज़ से क्वेश्चन हैं, तो आपको नंबर सीरीज़ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, देख सकते हैं। आपके हर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे, जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन को लिया गया है। तो आपके जो रीजनिंग का सिलेबस लगभग सेम ही होता है हर एग्ज़ाम में। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ यहाँ पे रीजनिंग और स्ट्रांग में अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो इसके लिए मैं कुछ आपके लिए वर्क दे रहा हूँ, उसको कर लीजिएगा, आपको हमेशा काम आएगा। तो आपको टेबल जो है आपका 30 तक याद होना चाहिए, 30, और आपका क्यूब होना चाहिए आपका 50 तक याद होना चाहिए, स्क्वायर आपको लगभग 50 तक इसको याद कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम टाइम में क्या है, कैलकुलेशन हमको फास्ट करना होता है, वह क्वेश्चन में आपको अगर ये सब आपसे याद हो जा रही है तो आपको क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो यहाँ पे निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए चार विकल्पों में से कौन से यहाँ पे अंक आएगा करके दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसको जूम कर दी हूँ बड़ा ताकि आपको स्पष्ट दिखे। तो यहाँ पे 512 से 256 हुआ है, 128, फिर 64, फिर 32 हुआ है। इस तरह हम देखें तो इसके यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, तो यहाँ पे जो लॉजिक लगने वाला है 32 × 2 अगर हम 2 करते हैं तो 32 × 2 = 64 हो जाएगा, और 64 × 2 करते हैं तो हमारा 128 हो जाएगा, 128 × 2 करते हैं तो यहाँ पे 256 × 2 मतलब गुड़ा दो का लॉजिक लग रहा है। तो इसको देख सकते हैं यहाँ पे लॉजिक जो लग रहा है यहाँ पे, तो हम अगर यहाँ पे 16 × 2 करते हैं तो 32 हो रहा है, यहाँ पे 16 × 2 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ चुका है। अगर 16 × 2 करते हैं तो हमारा आंसर 32 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 16 आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आंसर 16 निकल के आ चुका है, तो हमारा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मतलब 16 के स्क्वायर करते हैं तो नहीं 16 के स्क्वायर नहीं, 16 × 2 तो हमारा 32 आंसर आ जा रहा है। तो हमारा जो लॉजिक है इंटू टू वाला लॉजिक यहाँ पे बैठ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन 16 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपका नंबर सीरीज का भी ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए बी और सी ये भी कंटिन्यू, एफ जी एच एल एम एन ये भी दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आंसर आएगा उसको बनाना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर उसको बताना है। तो ए बी सी, फिर एफ जी एच, फिर एल एम एन, इसी तरह आपका चौथा कौन सा आएगा। तो अगर हम देखें तो ए बी सी, अगर सी और एफ का देखें तो सी और एफ के बीच कितने का गैप है, तो यहाँ पे 3 का गैप हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो आपका सी सी के बाद डी ई एफ मतलब +3 के गैप हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं एच से एल, एच से हम एल तरफ जाते हैं, तो एच से अगर हम एल के तरफ जाएंगे तो यहाँ पे +4 का लॉजिक लग रहा है, मतलब 4 का गैप होगा। अगर हम एच से एल जाते हैं तो एच के बाद आई जे के एल मतलब +4 का लॉजिक लग रहा है, मतलब 4 का अंतर, मतलब 4 का गैप है। इसके बाद देखते हैं इसी तरह 3 4 मतलब एक का यहाँ पे इस पर 5 का लॉजिक लगेगा, मतलब यहाँ पे आपका जो आंसर यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक मिनट, तो हमारा जो लॉजिक है 3 3 3 का यहाँ पे बन रहा था +3, यहाँ पे +4 का, यहाँ पे +5 का आ जाएगा। तो +5 अगर हम करते हैं तो एन के बाद क्या आ जाएगा, तो एन के बाद आपका ओ पी क्यू आर एस, यहाँ पे आंसर आ जाएगा एस टी
और यू, बाकी जो कन ये आपका जी एच कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे प्लस फाइव का लॉजिक लग रहा है, मतलब पाँच, यहाँ पे तीन का बढ़ रहा था, इसके बाद चार का, इसके बाद आपका पाँच आगे अगर दिया रहता तो पाँच के बाद छः का बढ़ता, तो इसका सही आंसर एस टी यू। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, हमारा जो आंसर आया एस टी यू है, तो हमारा आंसर सही है एस टी यू, हमारा एस टी यू हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह का लॉजिक लग रहा है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा ताकि आपको समझ आना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा एस टी यू सही आंसर बैठ रहा, मतलब लॉजिक समझ चुके हैं, कौशल और लॉजिक लग रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा, अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं उसको समझ नहीं आता क्या है इसका लॉजिक, इसको समझेंगे आज हम। तो यहाँ पे इसको अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आता है, नंबर सीरीज का गैप गैप रहता है, उसको एक बार गिनती कर लेना आपको कितना वर्ड है, तो दो दो चार, दो छः, दो आठ, दस, दो बारह, मतलब बारह वर्ड है, फिर इसको तीन चौक बारह, मतलब एक दो तीन, इसको गैप कर देंगे, चार चार का गैप कर देना है, सॉरी, तो इसको चार चार कर, एक दो तीन, चार तीन अठारह, इसके बाद जो अलग अलग यहाँ पे जो है उसको जो जो इसको भरते जाना है। तो यहाँ पे देखें तो यू के बाद यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे यू के बाद आपका एक्स आंसर आ जाएगा। और इसके बाद हम देखें तो डब्लू आपका एक्स, डब्लू के बाद, डब्लू के बाद जस्ट एक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो डब्लू के बाद यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे डब्लू के बाद आपका एक्स आ जाएगा, डब्लू के बाद एक्स, और एक्स बाद, एक्स बाद यहाँ पे, एक्स बाद जस्ट यू आया है, यहाँ पे देख सकते हो, तो एक्स के बाद यहाँ पे यू आ जाएगा, और एक्स तक अबूजी डब्लू है, तो यहाँ पे एक्स के बाद डब्लू आ जाएगा, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं एक्स के बाद यहाँ पे डब्लू है, यहाँ पे डब्लू आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर एक्स और डब्बा है यहाँ पे, और यू और आपका डब्लू, तो हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो चलिए ऑप्शन तरफ देखते हैं, हमारा आंसर डबल एक्स यू डू यू डब्लू, तो हाँ हमारा जो आंसर है थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारा लॉजिक है ये इसी टाइप का आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नंबर सीरीज का है, सात से पंद्रह हो रहा है, फिर बत्तीस हो रहा है, फिर सड़सठ, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका 281 हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो चलिए कौन सा लॉजिक यहाँ पे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने के लिए आपको कम से कम 30 तक के आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, 50 तक के स्क्वायर आपको कम से कम 50 तक याद होना चाहिए, टेबल तो आदि याद होना चाहिए, तब आपका रीजनिंग और जो मैथ से आपको आपको कभी समस्या नहीं आएगी। ये आपका फास्ट के स्कूल कैलकुलेशन में साथ ही होगा, आपका जो माइंड पावर है वो भी आपके बहुत डेवलप होगा। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे 7 से 15 हो रहा है, 7 से 15, फिर 15 से 32, फिर 32 और 67, फिर 67, फिर 281, कैसे टाइप का यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो 7 से 15 हो रहा है, यहाँ पे 7 से 15 अगर हम इसको इंटू 2 + 1 कर देते हैं, तो मतलब 7 × 2 = 14 और प्लस 1 = 15, हमारा जो लॉजिक है सही बैठ रहा है। तो 7 × 2 = 14 और 1 + 1 = 15 हो रहा है। इसी तरह हम इस पे देखते हैं 32 में, तो यहाँ पे इंटू 2 + 1 इसमें लॉजिक लगा देंगे, तो यहाँ पे 15 × 30 और 15 × 30 और यहाँ पे हम अगर 2 कर देते हैं तो यहाँ पे 32 करेक्ट आंसर आ जाए। तो आप लॉजिक को समझ रहे हैं कैसे, यहाँ पे 1 बढ़ा है, यहाँ पे 2, फिर अगला में 3 हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं 32 से 67, तो अगर हम यहाँ पे इंटू 2 + इस बार 2 किए तो इस बार हम 3 कर देंगे, तो 67 × 2 और यहाँ पे +3 करेंगे, तो हमारा जो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर हमारा यहाँ पे 67 × 2 + 3 करेंगे तो हमारा आंसर 138 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 138 आंसर आके हमारा क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे 138 आ जाएगा। तो हमारा 138 आंसर आ रहा था, इसको फिर से हम इंटू 2 +
3 किए थे, इस बार हम 4 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 138 × 2 प्लस 3 किए थे, इस बार हम 4 कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है आपका 281 आ जाएगा। तो लॉजिक समझ चुके हैं, इंटू टू प्लस जैसे जैसे आपको यहाँ पे एक से दो से किए, फिर दो से यहाँ पे दो प्लस किए थे, इंटू टू दो तीन, फिर इसमें प्लस 3 प्लस 4 और इसमें प्लस 5, ऐसे होते जा रहे। लॉजिक समझ चुके हैं, इसमें हमारा जो आंसर यहाँ पे 138 हमारा आंसर आया। तो चलिए ऑप्शन तरफ देखते हैं, तो हमारा आंसर 138 करेक्ट आंसर आ जाए। तो यहाँ पे जो लॉजिक जो लगा है यहाँ पे इंटू टू प्लस 1 इंटू टू प्लस 2 ऐसे टाइप का लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, तो हमारा 138 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे फिर नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 3 से 15, फिर आपका 35, 63, फिर 99, फिर लास्ट आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे 153 देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 3 से 15 हो रहा है, 15 से 35 हो रहा है, फिर बढ़ रहा है 35 से 63 हो रहा है, फिर 63 से 99 हो रहा है। यहाँ पे हमको बताना है क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो 3 से 15 हो रहे, अगर हम इसको 3 को अगर हम इसको 2 का स्क्वायर माइनस 1 करते हैं, तो 2 × 4 और 1 − 3, हमारा लॉजिक यहाँ पे सही बैठ रहा है। अगर इसी को हम 4 का स्क्वायर 2 करते हैं, तो 4 × 16 और 16 और −1 कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा 15 आंसर करेक्ट आंसर, जो हमारा लॉजिक है सही बैठ रहा है। इसी तरह 35 का देखते हैं, तो इसको हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं, 6 × 6 = 36 और −1, तो हमारा 35 करेक्ट लॉजिक लग रहा है। इसके बाद हम 63 का देखते हैं, 63 का हम देखें तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, इसके बाद हम 8 का इसका स्क्वायर करते हैं, तो 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 हो जाएगा, 64 में 1 माइनस करते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे 63 आ जाएगा। तो यहाँ पे 63 आया है। इसके बाद देखते हैं 8 का लगा था, इस बार हम 10 का करते हैं, तो 10 का यहाँ का स्क्वायर करेंगे तो 10 × 100 और −1, तो कितना होगा 99 हो जाएगा, तो हमारा लॉजिक करेक्ट बैठ रहा है। इसी तरह 10 का किए थे, इस बार हम 12 का करेंगे, तो इसको थोड़ा 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, −1 हम कर देते हैं तो यहाँ पर 143 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 143, 143 हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, तो 143 चलिए आंसर तरफ देखते हैं इसको, 143 याद रखिएगा हमारा, इसको ऑप्शन में देखते हैं 143, तो 143 कितना निकाले थे, 143 ठीक 143। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया था 143 आया था, लेकिन यहाँ पे जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है वह इसको मैं 153 हो गया, हमारा जो आंसर है ये आपका 143 था, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मैं क्वेश्चन को एक बार चेक कर लिया हूँ, तो हमारा ये 143 है, लेकिन इसको टाइपिंग एरर हो गया, इसको 5 हो गया है, तो हमारा 143 सही आंसर हो जाएगा। जो लॉजिक लग रहा था स्क्वायर करके −1 करके हम बनाए थे इसको, तो हमारा जो आंसर है 143 आंसर आया था, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, हमारा जो आंसर है 143 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक 143 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 37 से 61, फिर 91, फिर 127, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर यही निकालना है और आपका 217 है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, तो 37 से 61 यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं, तो यहाँ पे 37 से 61, फिर 91, 127, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 217, तो 37 से 61 हुआ है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो 37 से 61 अगर हम 37 में अगर 24 जोड़ देते हैं, तो 37 में 24 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 37 में 24 जोड़ेंगे तो हमारा 61 आंसर आ जाएगा, और 61 में हम 30 जोड़ते हैं,
61 में 30 जोड़े तो हमारा आंसर सॉरी यहाँ पे तो यहाँ पे इसमें हम 24 जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर 61 आ रहा है। 61 आ रहा है मतलब यहाँ पे हम प्लस 24 जोड़ेंगे और इसमें हम 37 और इसमें हम 30 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना का गैप बन रहा है, प्लस 6 का बन रहा है। इसमें हम 61 में 30 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर 61 आ रहा है और 61 में हम 61 में फिर इस पर 6 का हम लॉजिक लगाएंगे, प्लस 6 के इधर बढ़ते जाएगा तो हम 30 में कितना जोड़े थे, 61 में 30 और हम इसके बाद 91 में, 91 में अगर हम 30 36 जोड़ते हैं तो 91 में 36 जोड़ेंगे तो 127 आंसर हमारा आ रहा है और फिर 36 से 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे प्लस 6 का लॉजिक लग रहा है तो यहाँ पे हम 42 जोड़ देंगे, 36 6 42 अगर 127 पे हम 42 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे 169 आंसर आ जाएगा। तो हमारा फिर इसी तरह आप 169 में अगर हम फिर यहाँ पे प्लस 6 का लॉजिक लग रहा है, अगर हम 42 6 48 तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा आपका इस पर 217 आ जाएगा। तो हमारा जो लॉजिक करेक्ट बैठ रहा है 6 6 का, यहाँ पे 24 36 फिर 6 6 के इधर लॉजिक लग रहा है, 6 6 यहाँ पे बढ़ रहा है मतलब 6 6 इसमें प्लस करना है तो हमारा 169 169 हमारा आंसर आया। तो 169 चलिए ऑप्शन तरफ देखते हैं, 169 तो 169 जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 169 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक आई थिंक आप समझ चुके होंगे। इस यहाँ पे हम 24 जोड़े हैं, प्लस 6 जोड़े हैं, इसके बाद इसमें आपका 30 जोड़े हैं, यहाँ भी प्लस 6 का लॉजिक लग रहा है, 91 में अब यहाँ भी 36 जोड़े हैं, 36 के बाद फिर 42 फिर आपका 48 ऐसे टाइप के हमारा 6 6 का लॉजिक यहाँ पे बढ़ रहा था। तो इसी तरह इसका सही आंसर 169 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 3 1 4 2 5 फिर 4 से 6 फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे जो हमको आंसर निकालना है तो क्या आंसर है, तो 7 4 5 10 यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है देख सकते हैं। तो हम इसी तरह हम देखें तो 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 6 और 1 यहाँ पे 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक यहाँ पे समझ चुके हैं, हमारा करेक्ट आंसर 7 हो रहा है। तो 3 से 4 4 से 5 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे 1 से 2 2 से 4 और 4 1 2 2 से 4 4 के बाद 6 तो यहाँ पर हमारा जो लॉजिक लग रहा था प्लस एक का यहाँ पे फिर प्लस दो का ऐसे लॉजिक लग रहा था। 3 से 4 4 से 5 5 से 6 6 से 1 7 हमारा करेक्ट आंसर 7 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते यहाँ पे 3 से 2 फिर 2 से 6 फिर 8 फिर 18 हो रहा है, फिर 18 से सीधा डायरेक्ट आपका 40 हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे आंसर निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 3 से 6 हो रहा है तो यहाँ पे इंटू 2 करते हैं तो 3 2 6 हो रहा है, और यहाँ पे हम अगर 6 से 18 हो रहा है तो अगर इंटू 3 करते हैं तो 6 3 18 18 से 18 के बाद 2 3 इस बार हम 18 इंटू अगर इंटू हम 4 कर देते तो 18 चौक कितना होते है? तो 18 चौक यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका लॉजिक समझ चुके, तो यहाँ पे आप लॉजिक एक बार फिर से बता दे रहे हूँ, यहाँ पे 3 से हम इंटू 2 किए हैं, 3 2 6 6 से 18 हुआ है, तो अगर 6 इंटू 3 करें 6 मतलब 2 से 3 हुआ, फिर 3 से 4 हो जाएगा, तो 6 3 18 18 इंटू हम 4 करते हैं तो 18 चौक यहाँ पे 72 हमारा करेक्ट आंसर 72 करेक्ट आंसर हो। चलिए ऑप्शन तरफ देखते तो हमारा आंसर करेक्ट निकल के आ चुका है, 72 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका
72 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको समझ आ रहा है या नहीं, और अच्छे से मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ताकि कमेंट करके बताइए कि आपको समझ आ रहा है नहीं, उससे उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। थैंक यू।